वेलकम टू हेल्थ रेम्बो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लंग कैंसर। उसके कौन कौन से पांच प्रमुख लक्षण होते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे स्टेज वाइज, जिसकी वजह से हमें क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इजी रहेगी। दोस्तों, लंग कैंसर के बारे में एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जो टोटल कैंसर का लगभग 9.3% कैंसर जो है वो लंग कैंसर है, दोनों मेल और फीमेल दोनों में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लंग कैंसर के बारे में कि लंग कैंसर के लक्षण क्या होते हैं स्टेज वाइज, कारण क्या हैं, जांच कौन कौन सी होती है, इलाज क्या क्या अवेलेबल है, और कौन कौन इससे सफ़र कर सकता है और कौन या कौन कौन इससे पीड़ित हो सकता है। दोस्तों, अगर हम लक्षण की बात करें तो स्टेज वन में सबसे पहला जो लक्षण होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है दोस्तों कि बार बार खांसी आना या खांसी 2 महीने से ज़्यादा रहना या बहुत ज़्यादा थकान होना। स्टेज वन में और ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें स्टेज वन में जो कैंसर का जो लंग कैंसर होता है उसका साइज काफ़ी कम होता है, जिस वजह से पर्सन के जो सिम्टम्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ही सिम्टम्स रहते हैं। अगर स्टेज सेकेंड की बात करें तो स्टेज सेकेंड में दोस्तों सांस की लेने में तकलीफें शुरू हो जाती हैं तथा हल्का दर्द होता है। सांस लेने के दौरान आवाज़ भी वीजिंग साउंड्स भी आती है और छाती में भारीपन महसूस होता है तथा सांस लेने, खांसते वक्त या हंसने के दौरान भी सीने में दर्द होता है। कारण क्या होता है कि स्टेज वन और स्टेज टू में डिफरेंस ये होता है, स्टेज वन में एक जगह पर होता है कैंसर, स्टेज टू में कैंसर एक लंग की एक साइड से दूसरी साइड में भी पहुंच जाता है, साथ साथ में साइज भी इसका बढ़ने लगता है। अगर स्टेज थर्ड की बात करें तो स्टेज थर्ड में दोस्तों आवाज बदल जाती है तथा सूजन हो जाती है। कारण होता है इसमें क्योंकि लंग कैंसर का साइज काफी बढ़ जाता है और ये शरीर के दूसरे भाग तक पहुंचने लगता है, साथ साथ में बोलने में कठिनाई महसूस होती है, बोलने के साथ में निगलने में भी कठिनाई होती है और छाती और पसलियों में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर हम स्टेज फोर्थ की बात करें तो स्टेज फोर्थ के जो सिम्टम्स होते हैं स्टेज थर्ड के सिम्टम्स से मिलते ही जुलते होते हैं, बट ये अधिक ज़्यादा क्रोनिक हो जाते हैं। और स्टेज फोर में कैंसर शरीर के दूसरे भाग तक पहुंच जाता है। इसके कारण क्या है दोस्तों? कारण सबसे पहला है स्मोकिंग। 80% जो लंग कैंसर का कारण है स्मोकिंग या उसके प्रोडक्ट्स, एक्टिव स्मोकिंग जिसको बोलते हैं और पैसिव स्मोकिंग जिसको निष्क्रिय धूम्रपान बोलते हैं। अगर आपके कोई परिवार में कोई दूसरा स्मोकिंग कर रहा है या आप जिस माहौल में काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई और स्मोकिंग कर रहा है और उसका धुआं आप तक आ रहा है तो उसको पैसिव स्मोकिंग या निष्क्रिय धूम्रपान भी बोलते हैं। रेडोन गैस का भी बहुत बड़ा कारण है कि जिस वातावरण में आप रह रहे हैं तो उसमें रेडोन गैस है कि नहीं है। वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन भी बहुत बड़ा कारण है और आजकल जिस तरीके से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है ये इसका कारण एक और भी है कि लंग कैंसर के कारण केसेस इसकी वजह से भी बहुत बढ़ रहे हैं। लंग्स का इन्फेक्शन भी हो सकता है जिस जो कैंसर का रूप धारण कर सकता है, या फेफड़ों का कैंसर की अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, या मेटास्टेटिक कैंसर है, या फिर आप जिस माहौल में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पर हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो फेफड़ों की कैंसर की जांच कैसे होती है? तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो एक्सरे होता है, एक्सरे के बाद सीटी स्कैन के बाद एमआरआई। सीटी स्कैन और एमआरआई की ज़रूरत जनरली तब पड़ती है अगर चेस्ट एक्सरे पॉजिटिव आता है। अगर लैब टेस्ट की बात करें तो लैब टेस्ट में सबसे पहले सीबीसी विद ईएसआर करवाया जाता है, उसके बाद बायप्सी करवाई जाती है। बायप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड होती है दोस्तों। बायप्सी में एक लंग से एक टुकड़ा निकाला जाता है और जिसकी लैब में जाँच होती है तथा पता करा जाता है कि कैंसर है कि नहीं है। कैंसर पता करवाने के बाद मॉलिकुलर टेस्टिंग होती है ये पता करने के लिए कौन सी थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव है कि नहीं। अगर सर्वाइवल की बात करें तो स्टेज फर्स्ट में सबसे ज़्यादा सर्वाइवल 50% होता है, स्टेज सेकेंड में 30%,
स्टेज थर्ड में 20% और स्टेज फोर्थ में 10% होता है। स्टेज फोर्थ में ज़्यादातर पाया गया है कि लोग जो डायग्नोज होते हैं वो स्टेज थर्ड या फोर्थ में ही होते हैं। उसका कारण दोस्तों ये होता है कि कन्फ्यूज़न रहता है कि फेफड़ों का इन्फेक्शन है या एलर्जी है या टीबी है, क्योंकि सिम्टम्स जो अगर आप देखें तो फेफड़ों का इन्फेक्शन, टीबी, दोनों के सिम्टम्स लंग कैंसर के समान होते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो डायग्नोज स्टेज थर्ड या स्टेज फोर्थ पर ही होते हैं, जिस वजह से उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको एलर्जी है, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या टीबी है, आई विल रिक्वेस्ट आप अपने शहर के लीडिंग फिजिशियन से दूसरी एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सिम्टम्स जो होते हैं अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या टीबी के लगभग कैंसर के सिम्टम्स से समान ही होते हैं। प्रिवेंशन टिप्स है कि साल में एक बार आप कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट ज़रूर बंद करवाइए, साथ में चेस्ट एक्सरे भी करवाइए, जिससे आप रूल कर आउट करवा सकते हैं शुरुआती इनिशियल स्टेज में कि लंग कैंसर या कोई और दूसरी बीमारी तो नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो सो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए तथा इसको सब्सक्राइब भी करिए और रिंग बेल भी प्लीज़ प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की आप तक पहुंच सके। सो प्लीज़ हेल्प अस इन कीपिंग अवर कंट्री एंड होल वर्ल्ड फ्रॉम लंग कैंसर, एंड प्लीज़ गो फॉर अर्ली स्क्रीनिंग सो दैट यू कैन सेव योर लाइफ एंड अदर्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।